गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो ब्रेजा है उसके अंदर स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम काम कैसे करता है, और जो लोगों के मन में मिथ्स है ना कि ये 40 की स्पीड तक बैटरी पे चलती है, या कोई लोगों को लगता है कि ये फुल हाइब्रिड है, ये फुल हाइब्रिड नहीं है, स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है। और कई लोग कहते हैं खराब है, इसलिए ब्रेजा में इन्होंने VXI और LXI के जो मैनुअल वेरियंट्स हैं उसमें से हटा दिया है सिस्टम ये। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा एग्जैक्टली काम क्या करता है और क्या मिथ्स हैं जो लोगों के, जो मैं आपको आज बर्स करूंगा। तो इसके तीन काम है एग्जैक्टली है क्या। एक तो इसकी ना एडिशनल एक बैटरी लगी हुई है जो पैसेंजर साइड की सीट के नीचे होती है। तो उस बैटरी से क्या होता है, एक तो इंजन स्टार्ट स्टॉप होता है ना, जब जो इंजन स्टार्ट, जैसे हम मैंने रोक दी गाड़ी, रेड लाइट आ गई, उस पर गाड़ी बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली और क्लच दबाने से ऑटोमेटिकली चल जाती है। अगर यही गाड़ी की मेन बैटरी भी कर देंगे तो वो बैटरी वीक हो जाएगी। तो जो एडिशनल बैटरी लगी हुई है वो इंजन स्टार्ट स्टॉप का काम करती है। सेकेंडली ये क्या करती है, जैसे ही हम ब्रेक मारते हैं या जैसे ही हम रेस छोड़ते हैं तो ये बैटरी चार्ज होती है। लाइक डायनामो होता है ना, अगर वो उसको आप छोड़ोगे, या आप इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं उसमें आप ब्रेक मारते हो रेस छोड़ते हो तो बैटरी चार्ज होती है, वैसे ही ये बैटरी चार्ज होती है। एडिशनल आपको प्लग इन चार्जर नहीं लगाना पड़ता। तीसरी चीज ये क्या करता है, ये टॉक असिस्ट करता है। उसका मतलब क्या होता है, जब आपको टॉक चाहिए या एकदम से गाड़ी आपने थोड़ी तेज चलानी है तो उसमें बैटरी असिस्ट करती है। तो बेसिकली ये तीन चीजें होती हैं जो ब्रेजा में बैटरी में करती है। क्योंकि दूसरी जो फुल हाइब्रिड कार्स होती है ना, उसमें तो 40 की स्पीड तक चलती है बैटरी पे गाड़ी, जैसे कि ग्रैंड विटारा का फुल हाइब्रिड वाला जो मॉडल है, लेकिन इसमें नहीं चलता। तो अब इसमें से हुआ क्या था कि मारुति वालों ने VXI और LXI से इसको हटा दिया। तो कई लोगों ने सोचा कि ये अच्छा नहीं होगा या इसमें कुछ गड़बड़ होगी, तबियत आया। स्पेसिफिकली ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को लगता है सिर्फ कॉस्ट कटिंग करने के लिए उन्होंने ये किया है, और कुछ तो इसमें मेरे को रीज़न दिखा नहीं, क्योंकि उन्होंने गाड़ी का रेट भी कम नहीं किया। अभी जो स्मार्ट हाइब्रिड आ रहा है ब्रेजा के अंदर, वो आ रहा है VXI ऑटोमेटिक, ZXI के दोनों वेरिएंट्स और ZXI प्लस के दोनों वेरिएंट्स। मेरी जो गाड़ी है ये VXI है, लेकिन ये 2022 मॉडल है, इसलिए इसके अंदर हाइब्रिड सिस्टम है। तो इसमें एक ब्रेजा, मतलब मारुति वालों ने एक अपडेट भी दिया था, आज से 6-7 महीने पहले आया था। मेरे को भी ऐसा लगा था कि कुछ गड़बड़ होगी जब भी अपडेट करके ये सिस्टम बंद कर रहे हैं, बट उसके बाद बंद नहीं हुआ, जैसी गाड़ी चल रही है वैसी ही चल रही है। और इसका एक फायदा और है, फायदा ये है कि इससे अराउंड 2-2.5 की एवरेज ज़्यादा हो जाती है, जिसमें हाइब्रिड नहीं है उसमें मारुति 17 पॉइंट कुछ की क्लेम करती है फ्यूल एफिशिएंसी, और इसमें हाइब्रिड है तो इसमें 19 पॉइंट कुछ है, मतलब अराउंड 2 की एवरेज बढ़ जाती है आपकी। तो असली में अगर देखा जाए, सिटी की बात करें, तो ये हाइब्रिड वाली हमारे को देती है 15 की एवरेज, और अगर आपकी हाइब्रिड नहीं होगी तो आपकी सिटी में 13 दे देगी, या मतलब लगा लो 12.5 दे देगी, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाईवे पे ये अगर 19 देती है तो वो 17 दे देगी, बट ये बैटरी लगाने से 2 की एवरेज बढ़ चुकी है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली मीटर में क्या फंक्शनिंग होती है। तो देखो, अभी मैं नॉर्मल गाड़ी चला रहा हूँ, तो आपको ये नॉर्मल इंजन पावर दे रहा है व्हील्स को। लेफ्ट साइड वाला इंजन है, बीच वाला व्हील है, एंड आपका जो राइट साइड वाला है दैट इज बैटरी। अगर मैं थोड़ा पिकअप देता हूँ, देखो मैंने अब ये पिकअप दी, अब क्या हुआ है, जो बैटरी है उससे भी पावर आ रही है व्हील्स को, इंजन भी पावर दे रहा है, बैटरी भी पावर दे रही है। तो दिस इज नोन एज टॉक असिस्ट। और अब तीसरी है, ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैसे होती है। जैसे मैंने अभी रेस दी, चल रही है, मैंने रेस छोड़ दी, तो ये क्या करेगा, व्हील्स देखो राइट साइड में फ्लो कर रहे हैं, दैट मींस वो बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। तो इसके मेनली काम यही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि टॉर्क असिस्ट करता है, और आप रेस छोड़ोगे तो बैटरी चार्ज होती है, और इंजन स्टार्ट स्टॉप का तो आपको पता ही है, आप गाड़ी रोकोगे तो वो गाड़ी बंद हो जाएगी, और अगर आप क्लच दबा के स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये स्पेसिफिकली ब्रेजा में ही नहीं है, मारुति ये बहुत टाइम से स्मार्ट हाइब्रिड दे रहा है। सियाज में आता है, आपका XL6 में आता है, अर्टिगा में आता है, एस क्रॉस में भी आता था, जितने भी इनके 1500 सीसी के इंजन है ना, उन सब में आ रहा है। और कई लोग कहते हैं ये मतलब खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, एग्जैक्टली यार देखो खराब नहीं होगा। अगर खराब होना होता तो सियाज तो कब से आ रही है, अर्टिगा तो कब से आ रही है, आज से तो वो आ नहीं रही, तो खराब होना होता तो उनकी गाड़ियों में कब का खराब हो जाता। तो मेरे हिसाब से स्मार्ट हाइब्रिड एडिशनल टेक्नोलॉजी और बेटर ऐप का अगर 2 की एवरेज बढ़ा रहा है तो मेरे हिसाब से तो ये चीज बहुत बढ़िया है। लेकिन अब जैसे LXI VXI में नहीं आ रही तो उसमें तो हम स्पेसिफिकली कुछ नहीं कर सकते, बट जो ZXI लेना चाहता है उनके लिए बढ़िया है कि उसको स्मार्ट हाइब्रिड मिलेगा और आपको 2 की एवरेज के आसपास ज्यादा होगी। तो बेसिकली यही है जो एग्जैक्टली जो स्मार्ट हाइब्रिड है। बहुत से लोग हैं जो गाड़ियां खरीदते हैं और उनको नहीं पता कि एग्जैक्टली ये क्या है, तो ये वीडियो से आप समझ जाएंगे, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको स्मार्ट हाइब्रिड वाली गाड़ी चाहिए या नहीं चाहिए। और ये फुल हाइब्रिड से तो बहुत डिफर करता है, जैसे मैंने आपको बताया उसमें 40 की स्पीड तक या जब आप स्लो चला रहे हो तो बैटरी से कार चलती है, लेकिन इसमें नहीं चलती। बट तब भी ठीक है यार, अगर 2 की एवरेज बढ़ा रहा है तो कोई ऐसा परेशानी वाली बात तो है नहीं।
तो यही स्पेसिफिकली था जो अपना स्वाइड हाइब्रिड सिस्टम है ब्रेजा का। बाकी कमेंट करके आप बता सकते हैं, आपके कोई सजेशन है तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगली वीडियो में आपसे मैं मिलता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बाय बाय।